आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड स्टिक्स, जो कि हम इफ्तार स्पेशल बना रहे हैं। तो ब्रेड स्टिक्स बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम्स बॉयल की हुई चिकन ले ली है। इसको मैंने इस तरीके से बारीक बारीक श्रेड कर लिया है। आप चाहे तो चॉपर में भी इसको पीस सकते हैं हल्का सा। तो सबसे पहले हम कटी हुई कैप्सिकम डाल देंगे। ग्रीन कैप्सिकम का यूज़ किया है मैंने। हाफ कप प्रोसेस चीज़ ऐड कर देंगे। आप चाहे तो मोज़रेला चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं इस वक्त। 1 टीस्पून हॉट सॉस या रेड चिली सॉस ऐड कर देंगे। मसालों में 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम सॉल्ट और ये चिकन क्यूब लिया है मैंने। अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं 1 टीस्पून। चिकन क्यूब को इस तरीके से मैश करके डालेंगे ताकि मिक्स करना ईजी हो जाए। और सॉल्ट आपको कम ही डालना है क्योंकि चिकन क्यूब में बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है और हमने जो चीज़ डाला है चीज़ में भी काफ़ी सॉल्ट होता है। और 1/2 कप इसमें मेयोनीज़ ऐड कर देंगे और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। याद रखिए कि जो हमने चिकन क्यूब डाला था वो अच्छी तरह से हर जगह पर मिक्स हो जाना चाहिए। तो ये देखिए चिकन अच्छी तरह से हमारी फिलिंग बनकर रेडी हुई है और बहुत ही टेस्टी और मज़े की फिलिंग है ये। तो हमने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं, 2 स्लाइसेस ले लेना है। इनके किनारियों को कट कर देना है और दोनों ब्रेड को साथ में रख के किनारियों को कट कीजिए। इससे ये होगा कि दोनों एक जैसे शेप में, एक जैसे साइज में कट होंगे। अगर आप अलग अलग कट करेंगे तो एक छोटा एक बड़ा हो सकता है, तो इसलिए इस तरीके से आप कट कर लें। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को ज़रूर दबाएं। बेल बटन को दबाने से ही आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी मिल पाएगी, वो भी फ्री में। तो ये देखिए किनारियों को कट करने के बाद अब चिकन की फिलिंग जो हमने बनाई थी वो इस पर रख देंगे। सिर्फ एक ही स्लाइस पर हम लगाएंगे और इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेना है, फैला लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से स्प्रेड कर लेंगे, फैला लेंगे। ज़्यादा भी फिलिंग नहीं भरनी है और ज़्यादा कम भी नहीं करनी है। मीडियम फिलिंग आप भरेंगे और इस तरीके से इसको स्प्रेड कर लेंगे। और सेकंड वाला ब्रेड उसके ऊपर रख के थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए हाथों से ताकि स्टिक हो जाए दोनों एक दूसरे में। तो ये देखिए इसको ये आपस में जोड़ने के बाद अब इसको नाइफ से कट कर लेना है। स्टिक की तरह इसको कट कर लेंगे हम। एक ब्रेड में हम 3 स्टिक्स कट कर लेंगे। तो ये देखिए स्टिक्स हमारी कट कर रेडी हो चुकी है। सारे इसी तरह से कट कर लेना है। ये मैंने एक अंडा ले लिया है फेंट कर और ब्रेड क्रम्स लिए हैं। सबसे पहले हम अंडे में इनको डिप करेंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाएंगे इस पर और अच्छी तरह से कोटिंग करना है। हर जगह पर ब्रेड क्रम्स लग जाना चाहिए वरना फ्राई करते वक्त ये खुल जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। आप इसको बच्चों को दे सकते हैं स्नैक्स टाइम पर, इफ्तार में बना सकते हैं और इतने मज़े का इसका टेस्ट होता है। 100% गारंटी है आपको ज़रूर पसंद आएगा जब आप इसको बनाएंगे खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा ये। तो ये देखिए सारे मैंने ब्रेड क्रम्स पर कोटिंग कर दी है। अब इस वक्त आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं 1 मंथ के लिए। एयरटाइट कंटेनर में डाल के आप इसको फ्रीज कर लें। ऑयल को मीडियम गरम कर लेंगे और मीडियम पे ही इसको फ्राई करना है। सारे एक एक करके डाल देंगे स्टिक्स। तो ये देखिए एक साइड से ये फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन कलर आने तक हमने फ्राई कर लिया है। अब दूसरी साइड पर भी इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए इससे ज़्यादा डार्क कलर इसका नहीं करना है वरना टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा। तो किचन टॉवल पर इसको आप निकाल लें। तो हमारी चिकन ब्रेड स्टिक्स बनकर बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी बने हैं ये। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी से बनते हैं बाहर से और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और क्रीमी इसकी फीलिंग होती है जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। ये देखिए अंदर से कितनी क्रीमी बनी है इसकी फीलिंग।
और बच्चों के लिए तो बहुत ही सही रेसिपी है, क्योंकि बच्चे अक्सर वेजिटेबल्स मुंह में आने से थूक दिया करते हैं। तो आप अगर इसमें वेजिटेबल्स इस तरीके से बारीक बारीक चॉप कर कर डालेंगे या इन सबको पीस लेंगे तो वो भी खा लेंगे बच्चे भी इजीली, और उनके मुंह में भी वेजिटेबल्स नहीं आएंगी और इसका टेस्ट तो काफ़ी मज़े का है ही। तो अगर आपको व्यूवर्स मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।